डी डी अगली बार फिशन कार्बोनाइजर का इस्तेमाल करो तो बैरल पर सब मॉलिकुलर डी एटोमाइजर लगाना ताकि ये तोप जैसी आवाज न करे। इसे जूते वूते पहनाओ यार, ये सारा फर्श खराब कर देगा। जूतों के लिए पैसे नहीं है बाप। इन लोगों के पासपोर्ट और वीजा चेक करो, टिंकोस ग्रह वाले आजकल जाली वीजा बनाने लगे हैं। और मुझे कोई समझाएगा प्लीज कि पासपोर्ट कंट्रोल इलाके में ये मरा हुआ अंतरिक्ष का जीव क्या कर रहा है? ये मेरी गलती है सर, दोबारा ऐसे नहीं होगा, मेरी याददाश्त मत मिटाइएगा। इसका क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं सर। दरअसल वो क्या हुआ कि टी मेरे साथ था और पासपोर्ट देख लेना क्या हाल है एजेंट जी। तुम्हें विश्व रक्षक के लोगों की याददाश्त मिटाना बंद करना होगा। लेकिन वो सबके सामने होटल में रो रहा था। जरूर तुमने मारा होगा। और मैंने एल की याददाश्त इसलिए मिटाई क्योंकि वो मुर्दा घर वापस जाना चाहती थी और मैंने तो बस उसकी मदद की। तुम्हें एक साथी लेना पड़ेगा। मैं अकेला ठीक हूँ। मैं बनूंगा इसका साथी। रुको, बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, वरना जिंदगी भर चिट्ठियां बांटता फिरता। सूट निकाल के फेंक दो। बिल्कुल दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपना अंदाज थोड़ा बदलना चाहता हूँ। पर ये कहना पड़ेगा कि इसमें थोड़ा पतला लगता हूँ, है ना? ऐसा नहीं है कि मादाएं मेरी तरफ आकर्षित नहीं होती हैं, पर इससे तो वो मेरी तरफ खींची चली आएंगी। वाह क्या गाड़ी है, सीट बुरा तो है ना, क्या है कि कभी कभी मुझे खुजली हो जाती है। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा। विश्व रक्षक नहीं, कोई मामूली बंदा, इसमें छुपा है अंतरिक्ष का फलसफा। बुरे अंतरिक्षवासियों को मारना, यही हमारा सुबह शाम का धंधा। हमारा ये धंधा आजकल चल रहा मंदा, इसलिए दे दो हमें चंदा, वरना खाओ सर पे डंडा। फ्रैंक, चुपचाप अंदर आके बैठ जाओ वरना मैं तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूंगा। यस बॉस। फ्रैंक, क्या बताऊं दोस्त, मेरी जिंदगी में बहुत सी गर्लफ्रेंड्स आई, लेकिन पहली लंगड़ी थी, दूसरी अंधी थी, तीसरी काणी थी, चौथी बहरी थी। हसरत ही रही मेरे दिल में कभी कोई प्यार करता। फ्रैंक, तुम्हारी बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, समझे? ठीक है, तो आप कड़क ऑफिसर नरम ऑफिसर बन के जाते हैं। तुम सर नरमी से पेश आना, मैं गर्मी से पेश आऊंगा। नहीं, रुको, अच्छा ऑफिसर और बेवकूफ कुत्ता कैसा रहेगा? तुम बिल्कुल खामोश रहोगे। समझ गया दोस्त, मैं बिल्कुल खामोश रहूंगा, खामोशी के राजेश खन्ना की तरह, एक शब्द नहीं कहूंगा। कोई सुराग मिला क्या? कोई सुराग मिला? फर्श और दीवार पर फास्फोरस मिला है, हमने जांच के लिए नमूने अभी हेडक्वार्टर के लैब में भेज दिए हैं। लगता है इसने बरसों से खाना नहीं खाया था। सॉरी। गवाह एक लड़की, उसने सब देखा, पूछताछ जारी है। तुम मेरी बात सुनो, मैं और कोई जवाब नहीं दूंगी जब तक मुझे जवाब नहीं मिलता। मैं जानना चाहती हूँ यहाँ हुआ क्या। लगता है उससे मुझे ही बात करनी पड़ेगी। चलो बात करते हैं। तुम यहीं रुको, बोलने वाले कुत्ते को देखते ही वो और भी पागल हो जाएगी। तो फिर मैं क्या करूंगा? किसी खम्भे पर जाकर सूसू करो। सॉरी। आप क्या हुआ? क्यों लड़की को पटाया? वो लड़की एक अपराध की गवाह है और कुछ नहीं। झूठ बोले कौवा काटे, तुम्हें वो अच्छी लगी है कि नहीं? मेरी बिरादरी की नहीं है लेकिन मुझे भी अच्छी लगी। तो अब मुझे प्यार मोहब्बत की सलाह ऐसे जीव से लेनी पड़ेगी जो अपनी ही पूंछ के पीछे भागता रहता है? देखो दोस्त, कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, समझे? रुको, बाद अब्बा मुलाहिजा होशियार, विश्व रक्षक आ रहे हैं, सीधे खड़े रहो। मैं हूँ एजेंट एफ, अब एजेंट जे का नया साथी। अपना अपना काम करो, देख क्या रहे हो आप? फ्रैंक, मुंह बंद रखो। बच्चे हैं? नहीं। चाहिए? जा रहा है, केक को लाने जा रहे हैं, एक आदर्श, एक मिसाल, तुम्हारा गुरु, वो शख्स जिसने तुम्हें वो सब सिखाया जिसका तुम दिखावा करते हो, विश्व रक्षकों के इतिहास का सबसे महान एजेंट। मुंह बंद रखो। यहीं रुको। है सुनो पार्टनर, मैं दिखने में कुत्ता लगता हूँ पर मैं ऐसा सिर्फ पृथ्वी पर दिखता हूँ। जो भी हो मुंह बंद रखो। रानी आती क्या खंडाला? सुनिए, देखिए मैं थोड़ी देर के लिए आप सबसे तवज्जो चाहूँ। बहुत अकड़ू बन गया है ना?
थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो अपनी शक्ल मत दिखाना। कैसे हो के? थोबड़ा क्यों लड़का रखा है? के लगता है पृथ्वी एक बार फिर बहुत खतरे में है और सिर्फ तुम ही इसे बचा सकते हो। वैसे पोस्ट ऑफिस में भी सब यही कहते हैं। बहुत खूब, इन्हें हथियार दो, पूरी जानकारी दो और याददाश्त वापस लाने की तैयारी करो। फ्रैंक। यस बॉस। मैं चाहता हूँ कि इस काम में वो दोनों साथ रहे। मर गया, लेकिन मैं एक नया असिस्टेंट ढूंढ रहा हूँ। देखो उन दोनों के काम में दांत टूटने का डर है। दांत? बाहर आ गए। जानते हो जब तुम एजेंट थे तुम्हें इस तरह पानी के साथ बाहर निकला बहुत अच्छा लगता था। तुम हर शनिवार रात मुझे कहते थे कि मुझे पानी से बाहर निकालो, पानी से, और मैं नहीं बोलता था। अब तो मेरा साथ मत छोड़ो के। अरे यार वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि मैं हूं कौन। जरूर आओ बैठ जाओ। कहां बैठ जाओ? इसे कहां घुसा दिया? कार के साथ आया तो फ्री था, लेकिन बहुत ही खराब ड्राइविंग करता रहता है। अच्छा, घर के लोगों का ग्रह, खूबसूरत औरत को देखते ही सब कुछ भूल जाते हैं। ये लड़की है या नागिन? सपेरों को बुलाना ही पड़ेगा। कंप्यूटर विश्व रक्षक के हेडक्वार्टर्स दिखाओ। सब कुछ बंद पड़ा है। तस्वीर बड़ी करो कंप्यूटर, 10 गुना। तुम कहां हो फ्रैंक? तुम लोग कहां हो मेरे दोस्त? हम पानी के जरिए बाहर निकले थे। हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। हमला किसने किया? कोई बहुत खूबसूरत और खतरनाक लड़की थी, क्या मैं उसका पीछा करूं? नहीं, तुम जहां हो वहीं रहो। ठीक है, जहां हूं वहीं रहता हूं। कहना आसान है, इसके बाप का क्या जाता है? तुम्हें फिर मैंने कहा है सलीना, क्या सोच कर यहां आई थी कि फ्रैंक खुश होगा, शाबाशी देगा? फ्रैंक कहो तुम? मैं नाइटपास वाले कमरे में बैठा हूँ। सलीना हम पर गोलियां चला रही है, केरे डबल स्पीड का बटन दबा दिया है। हेडक्वार्टर्स के कंप्यूटर से सलीना को उड़ाया जा सकता है। आगे क्या करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। जय का तो होटल बच गया। मर गया। सच में मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, तुम बहुत अच्छे आदमी थे। अरे आत्मा को शांति मिले। ऐसी बात तुम्हें तो मैं भी माहिर हूँ। लड़की कहती है कि दूर रहो तो मतलब होता है पास आओ। क्या हुआ, कहीं जा रहे हो क्या? मेरी सलाह चाहिए? नहीं, ना कोई सलाह और ना ही कोई बात, कुछ नहीं, बस मैं ठीक हूँ यार, मैं ठीक हूँ। जय की जय हो, जय की जय हो। मैं लाया हूँ इन्हें स्टेशन से तुम्हारे लिए। इन चूहों को तुमने मेरे लॉकर में क्यों डाला? मुझे लगा कि तुम्हें अच्छा लगेगा अपनी तारीफ सुन के। नहीं के, असल में ये गलत बात है, हमें उनको यहाँ से बाहर निकालना चाहिए, मतलब उन्हें भी पता चलना चाहिए कि दुनिया इससे बड़ी है। गलत फहमी है तुम्हें। बाप रे,